माय चैनल, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जरूर कर दीजिए और मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो मेरी। और आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ वेज शम्मी कबाब, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें वेज शम्मी कबाब बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो आप देखो यहाँ पे क्या क्या है। ये मेरे पास एक चम्मच साबुत धनिया है, ये मेरे पास तीन से चार लौंग है, ये मेरे पास सात से आठ काली मिर्च हैं, मेरे पास तीन सूखी लाल मिर्च हैं, तीन इलायची हैं, हरी छोटी इलायची है मेरे पास, और ये मेरे पास दालचीनी का स्टिक है, और एक चम्मच मेरे पास जीरा है। तो इन सबको सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी एक पैन में डाल के, इनको अच्छी सी खुशबू आने तक हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ऐसे हिला हिला कर। अब ये मेरे खड़े मसाले रोस्ट हो चुके हैं और मैंने थोड़ा सा ठंडा करके ये मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लूंगी। दोस्तों, अब ये मेरे पास है व्हाइट छोले, ये देख सकते हो आप, ये मैंने ओवरनाइट सोक करे थे और मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, ये देख सकते हो आप, मैंने उन्हें ओवर कुक नहीं करा है कि ये खुल जाए एकदम। और अब इसको मैंने इसी कपड़े में रखा है ताकि जो हमारे इन चनों का जितना भी पानी है वो सोक कर ले, से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और मैं इसे मिक्सी जार में डालकर अपने छोलों को पीस लूंगी। ये देखिए, मैंने अपने छोलों को अच्छे से पीस लिया है और एक फाइन पाउडर से बना लिया है, इसे बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो आप देख सकते हो कितना सूखा सूखा पाउडर है ये। और ऐसे मैं अपने बाकी छोलों को भी पीस लूंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा चने का पाउडर एकदम रेडी है जो मैंने आपको छोले का बताया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं, मेरे पास चॉप्ड अनियन है, ये दो अनियन मैंने फाइनली चॉप करे हैं, इसे मैं इसमें ऐड करूंगी। ये वो मसाला है जो मैंने ड्राई रोस्ट करा था, इसे हम पूरा ऐड करेंगे इसमें। ये मेरे पास दो बारीक ग्रीन चिली है कटी हुई, और ये है मेरे पास पुदीना और धनिया, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक चम्मच, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास बॉइल्ड आलू है इसे भरने के लिए, तो इसे मैं इसमें ग्रेट कर लूंगी। और फाइनली मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, ये मेरे पास एक चौथाई चम्मच हल्दी है, इसे ऐड करेंगे, और एज यूजुअल नमक स्वाद अनुसार, तो मैं भी इसमें हाफ स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आपको जैसा पसंद हो वैसा ऐड करें। और इसे अब अच्छे से हाथों की मदद से बाइंड कर लेंगे। इसे अच्छे से एकदम मिक्स करना है। ये देखिए, सारे मसाले हैं, छोले हैं, धनिया है, पुदीना है, प्याज है, हरी मिर्च है, और ये सब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास एक स्पून चाट मसाला है, ये भी गया इसके अंदर, और इसे बाइंड करने के लिए मेरे पास है बेसन, तो दो चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, ये रोस्टेड बेसन नहीं है, नॉर्मल बेसन में यूज कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मेरा मिक्सचर एकदम रेडी है और मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप भी कर लीजिए। और अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। आपको अंगूठे की मदद से सारे क्रैक्स को बंद कर देना बाहर से। और यहां मैंने पैन में ऑयल लिया है और मैं इसे इसमें छोड़ दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी तीन टिक्की डाल दी हैं, और आपको इतना ऑयल लेना है कि आपकी जो आधी टिक्की वो कम से कम डूबी रहे, और एक गर्म ऑयल इनके ऊपर डालना है ताकि जो ऊपर की लेयर है वो भी हार्ड हो जाए, पलटने में टूटे ना। ये देखिए, कच्ची की वजह से ऐसे डालना है, और ऐसे ही आपको अलट पलट के सेक लेना है, बड़े ही धीरे से हल्के हाथों से इसे पलटना है।
ये देखिए ये देखिए मेरी एक साइड से गोल्डन बर्न हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड से भी कर लूंगी और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आपको लग रही है कि आपके कबाब तेल में जाते ही फट रहे हैं तो आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको क्या करना है, अपने ये कबाब बनाने के बाद बेसन में डस्टिंग कर लेनी है और हल्के हाथों से बिल्कुल पलटना है, आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ये देखिए एकदम शेप में रहेंगे वो। ये देखिए मेरे कबाब एकदम परफेक्टली सिक रहे हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपको कबाब बनाने हैं वेज कबाब, तो आपकी जो कबाब की रोल है इसे बिल्कुल भी एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना उसमें ऑयल चला जाएगा और वो फट जाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये देखिए मेरे कबाब, ये मैं निकालती जा रही हूँ इधर, और ऐसे ही मैं सारे कबाबों को सेक लूंगी अपने। तो देखिए दोस्तों मेरे वेज शमी कबाब एकदम रेडी हैं और मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करा है। मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। आप इसे चाहो तो टमाटो सॉस, मेयोनीज या केचप के साथ भी कर सकते हैं सर। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, मेरी रेसिपी को जरूर लाइक करें। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही ईजीली है। आप अपने घर पर मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।